हमारे पति और द्वारका के लिए जा रहे हैं और ये प्रशांत यादव सनौफ सत्येंद्र यादव एक हार से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। सुशीला की बात सुनकर के आज पड़ोसन कहने लगी है कि बहन थोड़ी देर पहले मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ चावल बनाए हैं, अगर थोड़े से कुछ बचे हों तो तू उसमें से निकाल सकती है। सुशीला आज उनमें से थोड़े से चावल निकाल करके लेकर के चली है और जब लेकर के चली आज वो दुखिया सुदामा के पास में पहुंची है। और हमारे बड़े भैया शिव कुमार यादव जो नगला रमिया से आए हुए हैं हमारे गले में हार डाल करके मुझे सम्मानित कर रहे हैं। तो हम भगवान से कामना करेंगे कि हमारे भाइयों की जोड़ी इसी तरीका से बनी रहे घर में, परिवार में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। राधा रानी इनकी मनोकामनाएं सदा पूर्ण करती रहे। सर्वकंच है बोलिए गोविंद भगवान की।
सुशीला जब लौट करके आंगन में आई है और सुदामा जी से कहने लगी है कि महाराज मैं कन्हैया की भेंट के लिए कुछ लेकर के आई हूँ, आप कन्हैया के पास तक चले जाओ। सुदामा बहुत दुखी हो रहे हैं, कहते हैं कि सुशीला आप मुझे कन्हैया के पास तक भेज रही हो, लेकिन कन्हैया एक राजा हो चुका है, जाने वो पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। और कहते भी हैं कि भगवान गरीबी कभी किसी को मत देना। कहा जाता है कि टोटा टोटा कबहू मत लइए, सबसे गुरु है टोटा, लुच्चा गुंडा नाम धरा दे चुकी है, कोई बात पूछने वाला नहीं है। कहते हैं बारे गरीबी, और इस गरीबी को भी हर कोई पहचान नहीं सकता है। जिसके साथ में, जिसके सामने से, जिसकी जिंदगी में ये गरीबी देखने को मिली हो, और वही इस गरीब की पीड़ा को समझ सकता है। कहा जाता है पर घोर गरीबी आ जाती है। बड़े दुखी हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। सुशीला की बार बार कहने पर सुदामा जब द्वारका के लिए जा रहे हैं, दिल में विचार करते हैं सुशीला मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं कन्हैया के पास में जाऊं।